नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 18। मैं आपके साथ शुभांगी तिवारी। दिल्ली वासियों को आए दिन जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे ही कुछ दिल्ली के सोनिया बिहार इलाके में देखा गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के सोनिया बिहार इलाके में मौजूद हूं। आपको बता देते हैं, दिल्ली के सोनिया बिहार इलाके में 31 अक्टूबर तक वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है। सबसे ज़्यादा कष्टदायी तब होता है जब दिवाली जैसा पर्व नज़दीक हो। लोगों को दिवाली में अपने घरों की साफ़ सफाई करनी होती है, जिसमें पानी अधिक तौर से यूज़ किया जाता है। ऐसे में वाटर सप्लाई को बंद कर देना दिल्ली वासियों के लिए और ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। आपको बता देते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी का मेन स्रोत है वो है यूपी के मुरादनगर का गंगनहर, जिसे वार्षिक रखरखाव के लिए या यूँ कह लीजिए कि साफ सफाई करने के लिए 31 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया। ऐसे में दिल्ली वासियों को अपने पानी की पूर्ति करने के लिए यमुना नदी के पानी पर डिपेंड होना पड़ रहा है, जिसमें अधिक मात्रा में अमोनिया पाए जाने के कारण दिल्ली जल बोर्ड को उसे स्वच्छ करने में अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको ले चलते हैं लोगों के बीच और आपको बताते हैं क्या कुछ लोगों ने हमसे अपने अनुभव को साझा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, जैसे कि आए दिन दिल्ली में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जैसे कि अभी दिवाली जैसा पर्व भी सामने है, तो इसमें और लोगों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैडम, पानी की तो वाकई ही बड़ी ज़बरदस्त समस्या है यहाँ पर, क्योंकि सारे जो मकान हैं वो यहाँ चार चार मंजिले हैं और मोटरों से चढ़ते हैं, और दिन में एक टाइम ये पानी अलाउ करते हैं। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम है, उसमें भी कभी आधा घंटा देते हैं, कभी 1.25 घंटा देते हैं, कभी 1 घंटा देते हैं। अगर वो टाइम हम क्रॉस कर जाएं तो सारा दिन हमें यहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है अपना। और पानी की ये समस्या है, कुछ ये जब भी जाएं तो कहते हैं ये लाइन टूटी हुई है, वो लाइन टूटी हुई है, रिपेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वी आर वेरी मच फेड अप विद दी आप गवर्नमेंट। गंदा पानी है, बिल्कुल सुन नहीं रहे। हाँ, पानी भी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर हम टैंक से जो पानी आता है देखें तो हम पी नहीं सकते। सारा मिट्टी मिट्टी वाला पानी होता है अपना। वो लोग कहते हैं जहाँ से पीछे से जैसा आता है हम लोग वैसा ही सप्लाई करते हैं पानी। यदि हम दिल्ली का सोनिया बिहार इलाका छोड़ दें तो दिल्ली के अन्य इलाके भी शामिल हैं। इनमें मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, सराय कालेखा और छतरपुर जैसे रिहायशी इलाके शामिल हैं, जिनमें लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी रोहित से बात की तो रोहित कहते हैं कि दिवाली जैसे पर्व में जल संकट का होना अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड इन इलाकों में वाटर टैंक्स की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है, और दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि हम ऐसे इलाकों में वाटर टैंक्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे ताकि दिल्ली वासियों को जल संकट से जूझने में कुछ हद तक इस समस्या से जूझने में कमी आ सके। ये थी दिल्ली से शुभांगी तिवारी की रिपोर्ट लोकल 18 के लिए।